तो दोस्तों नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फेसबुक का अगर आप यूज करते हैं तो फेसबुक पोस्ट के नीचे आपको इस तरह का बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, इसे कैसे यूज करेंगे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मिलता है। तो बने रहिए वीडियो को फुल वॉच के बिना कि अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल आइकन से भी प्रेस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं टेक्निक क्लास। तो दोस्तों वीडियो टिप्स या टेक्स वीडियो टिप्स किसी क्वेश्चन से प्रशांत दीजिए इस चैनल पर जाना, जिसका आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिनट हम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक को ओपन कर लेता हूं एंड यहां पे देखेंगे, प्रोफाइल के ऊपर टाइप करेंगे, देन यहां पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहां पे देख सकते हैं जो भी पोस्ट है आपको, आपको यहां पे इसके सामने बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब इसके ऊपर हम टाइप कर देते हैं। चलिए इसके ऊपर हमने टाइप कर दिया है। टाइप करना कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अभी इसका रीच वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेन चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 200 देखने को मिल रहा है। अब इसका बजट यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, यहाँ पे आपको डेली रिजल्ट है, आपका लिंक के जो क्लिक्स है 115 से 296 है एंड यहाँ पे 4000 से लेके 11500 तक लोगों के पास इसके जो रीच यानी भेजा जाएगा 200 रुपये में। अब यहाँ से अब इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कम करते हैं तो यहाँ पे कम जो रीच कर दिया जाएगा, उस पैसों के हिसाब से यहाँ से आपको बूस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप जो है बूस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पैसे को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से आप जो डे को भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितना दिन आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें आप जो ये सेलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं इसके रन दिस एड अंटिल, यहाँ पे आपकी वीडियोज पे जो एड प्ले होगा वो यहाँ से आपके ये ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो हमें 654 रुपये का बूस्ट लगाना है तो यहाँ पे आप जो जैसे 2600 से लेकर 7500 तक लोगों के पास ये रीच पहुँचेगा। अब तो वो क्लिक करे या ना करे आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है या उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करेंगे या नहीं करेंगे एंड यहाँ से आप जो है डे को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बूस्ट लगाना चाहते हैं तो ये वन डे कभी नहीं रखें, मिनिमम आप जो यहाँ से 4 से 5 दिन रखेंगे क्योंकि इससे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है एंड इसके नीचे आप जो है पेमेंट मेथड मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट मेथड आप यहाँ से पेड करना होगा, उसके लिए दोस्तों ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से दोस्तों आप जो है आप जो है ऐड पेमेंट आप जो है UPI के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप जो भी करना है यहाँ से आप जो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसको जो है आपको अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर लेना, ऐड के बाद नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ से आप जो UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर जब तक आप यहाँ पे फंड को ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका बूस्ट नहीं होने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप जो इसका रीच वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, आप जो है जिस हिसाब से यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको बूस्ट जो है मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप बूस्ट लगा सकते हैं। बट अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बूस्ट लगाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दोस्तों अगर बूस्ट आप लगाते हैं तो जो भी आपको इस वीडियो से वॉच टाइम जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है उसमें ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। अगर सोचते हैं कि आपका जो है पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाएगा ये वॉच टाइम कम्प्लीट होने के बाद, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो क्राइटेरिया जो 60,000 मिनट बीच का है वो इसमें ऐड बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे बूस्ट लगा सकते हैं। और मेरा सजेशन है दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करें, यहाँ पे आप जो अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें और मेहनत करें और आप खुद से ही अपने पेज या प्रोफाइल को मोनेटाइज करें और अर्निंग करें। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप जो पैसे लगा के बूस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बाद में जब आपका ये पैसे का जो वैलिड टाइम है वो खत्म होने के बाद रीच डाउन हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इसमें आप जो है आगे चल के अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आप खुद से
मेहनत करके बूस्ट करेंगे, चल के आप जो अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।